सब्सक्राइब कीजिए फ्री हिंदी एडवाइस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। चाणक्य नीति के अनुसार गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का रिश्ता सामंजस्यपूर्ण होना बहुत आवश्यक होता है। यदि पति पत्नी के बीच आपस में समझने की क्षमता नहीं है और उनका तालमेल बिगड़ जाता है तो उस घर में तनाव, वाद विवाद, सुख शांति का अभाव और दुख का माहौल हो जाता है। इस तनाव के कारण पति पत्नी एक दूसरे से शत्रु की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने ऐसी परिस्थितियां बताई है कि जब पति पत्नी एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, और उसी प्रकार समाज में भी कौन किसका शत्रु होता है इसके बारे में भी उन्होंने व्याख्या दी है। आचार्य चाणक्य के अनुसार लुब्धाना याचक शत्रु मूर्खाणा बोधको रिपुः जार स्त्रीणापति शत्रुश्चोराणा चंद्रमा रिपुः। चरित्रहीन स्त्री का पति उसका शत्रु होता है। नीति शास्त्र के श्लोक में आचार्य चाणक्य का कथन है कि यदि कोई स्त्री या किसी व्यक्ति की पत्नी चरित्रहीन है तो इसका बुरा प्रभाव उसके वैवाहिक संबंधों व गृहस्थ जीवन पर होता है, और ऐसी स्त्री अपने पति की सबसे बड़ी शत्रु होती है। क्योंकि यदि किसी की पत्नी धार्मिक कार्यों को ना करने वाली, चरित्रहीन, पर पुरुषों की ओर आकर्षित होने वाली व पर पुरुषगामी होती है तो ऐसी स्त्री के लिए उसका पति ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि उसका पति उसे ऐसे बुरे कामों को करने से रोकने का प्रयास करता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में यदि पति पत्नी दोनों में से किसी एक में भी चरित्रहीनता का अवगुण है तो इसका बुरा प्रभाव दोनों के गृहस्थ जीवन पर होता है। इसलिए पति पत्नी को अपने वैवाहिक संबंधों को सामंजस्य और समझदारी के साथ निभाना चाहिए ताकि किसी एक के बुरे कर्मों का फल दोनों को ना भोगना पड़े। याचक शत्रु होता है लालची व्यक्ति का। नीति सूत्र का कहना है कि किसी लालची व्यक्ति के घर में या उसके सामने कोई वस्तु या धन या याचक आ जाता है तो वह ऐसे मांगने वालों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। इसलिए दान पुण्य के कार्य भी इनके लिए बेकार होते हैं। ऐसे लोगों के लिए उसके धन का मोह उनके प्राणों से बढ़कर होता है, क्योंकि लालची यानी कि लोभी व्यक्ति का पूरा ध्यान अपने धन में ही लगा रहता है, और यदि कोई उसे मांगने का प्रयास करे तो वह व्यक्ति उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। मूर्ख का शत्रु होता है ज्ञानी व्यक्ति। आचार्य चाणक्य का कहना है कि किसी मूर्ख व्यक्ति का स्वभाव होता है ज्ञान प्राप्ति से दूर रहना। इसलिए मूर्ख व्यक्ति को कोई विद्वान व्यक्ति जो उसे कोई सीख देता हो, ज्ञान देता हो या उपदेश देता हो अपने सबसे बड़े शत्रु के समान प्रतीत होता है, क्योंकि वह इन ज्ञान की बातों को अपने व्यवहार में नहीं ला सकता। इसीलिए उसे ऐसी बातों से कष्ट होता है। इसीलिए ऐसे लोग जो जड़ बुद्धि होते हैं यानी कि मूर्ख होते हैं वे विद्वान व्यक्तियों को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। चंद्रमा दुश्मन है चोर का। आचार्य चाणक्य का कथन है कि चंद्रमा ऐसे लोगों का शत्रु है जो चोरी का कार्य करते हैं, क्योंकि चांदनी रात में चंद्रमा के प्रकाश में चोरों को चोरी करने में बहुत मुश्किली होती है, क्योंकि वे अपना कार्य रात के घने अंधेरे में ही करते हैं ताकि अंधकार में कोई उन्हें पहचान ना सके। चंद्रमा की रोशनी अंधेरे को दूर कर देती है, इसलिए चंद्रमा किसी चोर के लिए उसके दुश्मन के समान होता है। अगर आप इस वीडियो और हमारे चैनल के अन्य वीडियो में दी गई जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट freehindiadvice.com पर जरूर विजिट कीजिए, जिसमें वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट में भी सब जानकारी उपलब्ध है। इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जो 100% फ्री है। थैंक यू।